आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दहशतगर्दी संगीन वारदातों समेत पुलिस मुलाजिम को जख्मी करने वाले मतलूब दो मुलजमान गिरफ्तार। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर सियालकोट पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर रखा है। इस सिलसिला में SDPO सदर सर्कल की जर निगरानी SHO थाना हेड मुराला सब इंस्पेक्टर काशिफ महमूद ने टीम के हमराह कार्रवाई अमल में लाते हुए दहशतगर्दी संगीन जराइम समेत पुलिस मुलजमान पर फायरिंग करने में मतलूब दो मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया है। थाना हेड मुराला के इलाका में 15 पर कॉल मसूल हुई के पटरी नहर नज बरथान वाला पुल पर डाकुओं ने नाका लगाकर शहरियों को लूट कर यकमात बना लिया हुआ है। यूसी स्क्वाड मुंगर ने रिस्पॉन्ड किया, पुल के करीब पहुंचे तो डाकुओं ने पुलिस मुलाजमीन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इलाका में शदीद खौफ हरास फैल गया। मुलजमान की फायरिंग से यूसी स्क्वाड कांस्टेबल शाल अलियास मजरूफ हो गया। मुलजमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वकुआ की बाबत नामालूम मुलजमान के खिलाफ दहशतगर्दी और दीगर विभाग के तहत मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर कर लिए गए।